हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए राइट अकेडमी आज सीरीज में हम नाइनटीन और ट्वेंटी ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे बट उससे पहले हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि विच कंट्री हैज़ पास दी वर्ल्ड फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट मैंने कंट्री पूछा है ठीक है तो जब यहाँ पर बात हुई है जैसे जो आंसर्स आपने दिए हैं उसमें न्यूयॉर्क बताया न्यूयॉर्क जो है वो लेजिस्लेचर था न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने पास किया ये आपकी बात सही है पर जो कंट्री की बात हो रही है तो यूएसए आएगा इसका आंसर ठीक है यूएसए में न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने ये जो फेयर एक्ट फेयर रिपेयर एक्ट है इसको पास किया है सेकेंड क्वेश्चन था ए का प्रेजिडेंट वो भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है मसद सुगु असकावा जो है वो ए के प्रेजिडेंट हैं थर्ड क्वेश्चन था कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है तो वो पीयूष गोयल जी हैं फोर्थ क्वेश्चन था कि स्मृति ईरानी की अदर मिनिस्ट्री कौन सी है एक विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली है दूसरी कौन सी थी माइनॉरिटी अफेयर्स की ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का अभी एडिशनल चार्ज मिला है इनको क्योंकि वो जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है तो उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो अब इनको मिल गई है ओके okay. एक स्टूडेंट uh, का यहाँ पे आंसर है कि माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टेक्सटाइल वाली नहीं अब इनकी ठीक है अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आज आपका पहला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट गेट्स इट्स फर्स्ट ए आई पावर्ड लोक अदालत फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस फॉलोइंग में से किसी एक जगह में क्या हुआ है कि एक uh, पहली ऐसी ए आई बेस्ड या ए आई क्या होती है मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक लोक अदालत जो है वो बना दी गई है वो कहीं लॉन्च कर दी गई है ताकि जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी हियरिंग वगैरह होकर उनका फास्ट डिस्पोजल हो सके ठीक है तो ये कहाँ पर हुआ है राजस्थान में राजस्थान में ये पहली आपकी ए आई लोक अदालत जो है वो बनी है ताकि जो भी मामले होंगे उनका तेज़ी से निपटान हो सके थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं इंडियाज फर्स्ट ए आई पावर डिजिटल लोक अदालत बाय द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव सॉरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाज लॉन्च ड्यूरिंग दी एटीनथ ऑल इंडिया मीट ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अब आपको ये याद रखना है कौन सी मीटिंग के बाद हुआ है ये डिसीजन ठीक है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में जो इनको मतलब मीटिंग को इनोग्रेट किसने किया है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के एन वी रमना उन्होंने इस मीटिंग को इनाग्रेट किया है और इस डिजिटल लोक अदालत को किसने लॉन्च किया है लोक अदालत को लॉन्च किया है उदय उमेश ललित ने ये हैं आपके नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन ठीक है चेयरमैन हैं ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इन्होंने लॉन्च किया है लोक अदालत को और ये जो मीटिंग है जिसमें ये लोक अदालत लॉन्च हुई है उस मीटिंग को इनाग्रेट किया है हमारे चीफ जस्टिस एन वी रमना ने और ये जो लोक अदालत है इसको डिजाइन और डेवलप करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या नाम है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज ओके तो ये इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स है ये या आपको याद रखने हैं मेन इसमें यही है कि जो डिजिटल लोक अदालत खुली है वो कहाँ पर है राजस्थान में ठीक है अच्छा ये डिसीजन क्यों आया है क्योंकि एक कोई लैंड डिस्प्यूट का केस था जिसमें एक सौ आठ साल या एक सौ चार साल के बाद जो है उस केस का रिज़ल्ट आया है तो उसी इतने लंबा डिस्प्यूट या इतना लंबा कोई केस चल रहा है तो उसी के चक्कर में इन्हीं चीज़ों से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए केसेस इतने लंबे लंबे ना जाएं उसके लिए ही ये जो लोक अदालत है ये बनाई गई है ताकि जो भी केसेस होंगे उनकी जल्दी से जल्दी हियरिंग हो उनके रिज़ल्ट आएँ और जो भी दोनों पार्टीज़ होती हैं उनको एक मतलब कोई सोल्यूशन मिल सके उनके केसेज वगैरह का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन की विच बैंक हैज़ कोलाबोरेटेड विद सी बी डी टी टू लॉन्च द न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने सी बी डी टी जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है उनके साथ कोलाब किया है ताकि एक नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा सके लॉन्च करवाई जा सके तो किसने किया है वो फेडरल बैंक ने फेडरल बैंक और सी डी सी बी डी टी ने मिलकर ये न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सर्विस जो है वो लॉन्च की है फेडरल बैंक इन कोलेबोरेशन विद सी बी या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च इट्स न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज एंड इसके साथ साथ फेडरल बैंक ने एक टेन टू पॉइंट ओ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंडर ठीक है तो टेन का देखते हैं पहले ये तो टेन का जो सेकेंड फेज है वो है ये सेकेंड वर्जन है बट टेन uh, की एक बार हम देखेंगे फुल फॉर्म वगैरह क्या होती क्या है एक्चुअली ये टेन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन टिन को बोलते हैं ठीक है टिन स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन ये एक रिपोजिटरी रहेगी इंडिया के टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जितनी भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर इकट्ठी की जाती है रिपोजिटरी मतलब कि यहाँ पर एकत्रित की जाती है सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स पेयर्स वगैरह होंगे उनके लिए हेल्पफुल होती है ठीक है तो टेन टू पॉइंट ओ वाला प्लेटफॉर्म भी फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है अभी और इट वॉज इस्टेब्लिश बाई प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये जो आपका टिन वाली चीज़ है ना टिन नोटिफिकेशन वाला जो है ये प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है इस्टैब्लिश किया है द सर्विस विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू टैक्स पेयर्स इन मेकिंग द पेमेंट वाया वाया द ई पे टैक्स फैसिलिटी मतलब कि डिजिटली टैक्स को पे किया जा सके उसके लिए जो फैसिलिटी है ये अवेल करवाई गई है ठीक है और इससे फायदा किसको होने वाला है जितने भी टैक्स पेयर्स रहेंगे उनको ओके देर इज नो नीड फॉर पैन या टैन नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्स पेयर्स अब टैक्स पेयर्स को इसके थ्रू जब भी वो इस ई पे टैक्स फैसिलिटी के थ्रू अपने टैक्स को पे करेंगे तो उनको किसी भी पैन नंबर की पैन तो आपको पता ही होगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ठीक है इसके अलावा एक टैन नंबर भी होता है जो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है ठीक है ये आपके इनकम टैक्स वगैरह की जब आप भुगतान करते हैं उसी के टाइम पे यूज़ होता है तो कोई भी पैन कार्ड या पैन नंबर या फिर टैन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आपने इसके थ्रू टैक्स पेमेंट करनी है अपनी और एनी इंडिविजुअल कैन नाउ पे देर टैक्सेस इंस्टेंटली विया एनी सोर्स सो ऑफ पेमेंट मतलब कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इस एक प्लेटफॉर्म के बाद यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग होगी कैश हो गया नेफ्ट हो गया आर टीजीएस इन सबके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो अपने टैक्स की तो ठीक है ये आपको याद रखना है जो न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस है फेडरल बैंक ने सीबीटीटी के साथ मिलकर की है स्टार्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है हु हैज़ हुन दी सिंगापुर ओपन टाइटल ट्वेंटी ट्वेंटी टू सुपर फाइव हंड्रेड टाइटल तो सिंगापुर ओपन टाइटल जिसमें एक और कैटेगरी थी सुपर 500 वाला टाइटल ये किसने जीता है? ये हमसे पूछा है तो इसके दो विनर्स हैं एक मेल कैटेगरी में एक फीमेल कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी या वीमेन सिंगल जो है वो जीता है पी सिंधु ने और जो मेल कैटेगरी है उसमें एंथनी सिनीसुका गिंटिंग इन्होंने जीता ये टाइटल तो इधर आपका आंसर क्या बनेगा बोथ ए एंड सी क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि मेन्स वाले में किसने जीता या वेमेन वाले में किसने जीता सीधे हमसे ये पूछा कि, कि किसने ये टाइटल जीता और ऑप्शन में आपके पास दोनों ही विनर्स हैं मेन वाले भी और वेमेन वाले भी तो यहाँ आंसर आपका बनेगा बोथ ए एंड सी इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं करना है कि हु वॉन देखा और सीधे पी सिंधु आ रहा है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में कि हाँ इन्होंने तो जीता है तो आप ये टिक करके जाओ बाकी ऑप्शन बी हमेशा चेक करने है। चारों के चारों ऑप्शन या पाँचों ऑप्शन जितने भी दिए होते हैं वो हमेशा चेक करने हैं ठीक है किसी एग्जाम में आपके चार ऑप्शन दिए होते हैं किसी में पाँच दिए होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे बेशक आंसर फर्स्ट ही क्यों ना हो एक बार देख लेंगे कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही है कि नीचे ए बी सी या ए बी बोथ वाला भी दिया हुआ ऑप्शन तो चेक करना है इसमें आंसर बनेगा आपका डी इसमें देखेंगे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो है पीवी सिंधु उन्होंने ये सिंगापुर ओपन का टाइटल जीता है ठीक है स सिंगल में इन्होंने जीता है किसको हरा के चाइना की वांगी को हरा के चाइना की प्लेयर है Ziyi, इनको वांगी पी वी सिंधु ने टाइटल जीता है और ये इनका पहला सिंगापुर ओपन टाइटल है तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है और इस साल का इनका ये थर्ड टाइटल है ठीक है नेक्स्ट हम एंथनी सिनीसुका का पढ़ चुके हैं इन्होंने जीता है मेंस वाली कैटेगरी में टाइटल किसको हरा के कोडाई नाराओका को हरा के ये जापान से बिलोंग करते हैं और जो जीतने वाले हैं एंथनी ये जो है इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं ओके पीवी सिंधु विल नाउ पार्टिसिपेट इन दी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कहाँ पर होने वाली है हमने पढ़ा ना कॉमनवेल्थ का वे, वेन्यू जुलाई 28 से स्टार्ट होने वाली है बर्मिंघम यूके में ओके okay? इस बार की कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यूके में होने जा रहे हैं उसमें भी पीवी सिंधु पार्टिसिपेट करेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज़ हेडिंग दी ट्वेंटी नाइन पैनल फॉर्म्ड टू मेक एमएसपी इफेक्टिव अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आज का मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन है क्यों क्योंकि ये MSP से रिलेटेड है अब जो भी पिछली अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो भी किसान आंदोलन वगैरह हुए थे कि किसान वगैरह बैठ गए थे वहाँ पर जो कि उन्होंने कि हमें एम वगैरह पे जो भी उनके फार्म लॉज आए थे उन पर जो एतराज़ था कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए इसमें थोड़े अमेंडमेंट्स चाहिए हमें तो उसके बाद मोदी जी का एक प्रॉमिस था कि हम इसके लिए एक पैनल बिठाएंगे जिसमें तो हम प्रॉपर ऐसे डिसीजन लेंगे जो फार्मर्स के लिए भी ईजी रहें और फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल हों गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल हों तो उसी के लिए उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम एक कमेटी सेटअप करेंगे वो कमेटी अब सेटअप हो रही है ठीक है हमसे पूछा है कि ये जो कमेटी है ट्वेंटी नाइन मेम्बर की कमेटी है ये इसको हेड कौन कर रहा है ठीक है हर एक कमेटी के कोई ना कोई हेड होते हैं तो इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है ये कर रहे हैं आपके फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं ये संजय अग्रवाल ये कर रहे हैं इसको हेड यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में भी क्या दिया है? हम देख लेते हैं कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे ये जो हैं ये दोनों आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं एग्रीकल्चर के और ये आपने पढ़ा ही हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आपके ओके संजय अग्रवाल इस कमेटी को हेड कर रहे हैं थोड़ी डिटेल्स देखते हैं इस कमेटी के बारे में किस लिए सेटअप किया क्या क्या इसका रोल रहेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसने सेटअप किया है इस कमेटी को ठीक है हेड कौन कर रहा है इसको संजय अग्रवाल ये फॉर्मर फाइनेंस आपके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे ये इस कमेटी के थ्रू और इसमें जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग भी होगी मतलब किसी एक बजट या एक अमाउंट के दम पे फार्मिंग नहीं होगी प्रॉपर ज़ीरो बजट के बेस पे एक फार्मिंग होगी जिसमें जो ट्रांसपेरेंसी भी होगी और इफेक्टिवनेस भी होगी एमएसपी को लेकर दिस कमेटी फॉर्मेशन इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रोमिस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर द रिपील ऑफ फार्म लॉज इन दिसंबर 2021 ट्वेंटी ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मोदी uh, जी का एक प्रॉमिस था उसी के ही बाद ये जो कमेटी है इसको सेटअप किया गया इस कमेटी का मेन रोल क्या रहेगा ये जो कमेटी है इसमें जो भी मेंबर्स रहेंगे वो अलग अलग चीज़ों पे अपनी सजेशंस देंगे अब वो चीज़ें मेन क्या हैं जो दो मेन चीज़ें हैं जहाँ पर सजेशन आने वाली इस कमेटी से वो एक है कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जाए इस पर सजेशन लेंगे पैनल मेंबर्स की और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से हम कैसे डील करें ठीक है उसके क्या क्या हम ऐसे उसके लिए स्टेप्स उठा सकते हैं जिसमें क्रॉप्स uh, में मतलब नुकसान भी ना हो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और एम का भी उसमें बराबर का इन्होंने ध्यान रखना है तो ये रहने वाला और इन ट्वेंटी नाइन मेबर्स में से थ्री मेंबर्स वो भी होंगे जो फार्मर uh, प्रोटेस्ट कर रहे थे ना उनमें से भी तीन मेंबर्स इसमें uh, उनके लिए भी जगह रखी गई है तो तीन मेंबर्स इसमें से वो होंगे उनकी मतलब फार्मर्स की साइड से और बाकी जो पैनल है वो गवर्नमेंट देखेगी कि कौन कौन इसमें हेड कौन कर रहा है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो संजय अग्रवाल को हेड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे आज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच कंट्री हैज बीन नेम्ड टू होस्ट 2028 ट्वेंटी एट समर ओलंपिक गेम्स अब 2028 ट्वेंटी एट समर ओलंपिक गेम्स को भी कौन होस्ट uh, करने वाला है ये भी अनाउंस कर दिया है तो कौन सी कंट्री है वो जो होस्ट करने वाली है इसको इसको होस्ट करेगी यूएसए यूएसए लॉस एंजलिस जो है इसको होस्ट करने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी एट का समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स uh, ठीक है समर ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स जो है 2028 की वो लॉस एंजल्स यू एस से होस्ट करने वाला है ये आपको याद रखना है जो भी ऐसी नई अनाउंसमेंट्स होती हैं कि ये वाली अब गेम्स जो हैं वो वहाँ पर होगी इस वाली कंट्री होस्ट करेगी ये तो वो आपको याद रखनी होती है हमेशा क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसी चीज़ें आपको बहुत चांसेस बनते हैं कि आ, पेपर में आ जाए द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द ट्वेंटी लॉस एंजल्स ओलंपिक्स विल टेक प्लेस ऑन जुलाई फोर्टीनथ ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी से लेके आपके थर्टियथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी एट तक ये इवेंट रहने वाला है और ये लॉस एंजल्स होस्ट करने वाला है अब लॉस एंजलिस में पहले भी समर ओलंपिक्स हुए हैं इससे पहले कब होस्ट किया है लॉस एंजलिस ने ओलंपिक्स नाइनटीन एटी फोर में और 1932 थर्टी टू में ठीक है और बर पैरालंपिक्स uh, कभी भी लॉस एंजलिस ने नहीं होस्ट किया है तो वो पहली बार है ये कि ट्वेंटी ट्वेंटी एट वाले जो पैरालंपिक्स हैं ये पहले पैरालंपिक गेम्स होंगे जो लॉस एंजलिस होस्ट करने वाला है इट मस्ट बी नोटेड दी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन पेरिस फ्रांस अब हमने ये देख लिया अभी आज ही के सेशन में कि जो हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो होने वाली हैं बर्मिंगम में ठीक है उसके बाद हमने ये देख लिया कि 2028 वाली समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स जो है वो लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाली है साथ में हमने ये भी देख लिया कि 2024 वाले जो समर ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर होगी पेरिस फ्रांस में ठीक है तो ये वेन्यूज का आपने तीन चार पॉइंट्स हो गए यहाँ पर कवर ठीक है ये वाले पॉइंट्स आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे और पैरालंपिक्स ओंपिक्स कहाँ होंगे तो दोनों ही सेम वेन्यू पे होंगे ठीक है सेम आ, सिटी जो है होस्ट करने वाली है समर ओलंपिक्स को भी 2028 के और पैरालंपिक्स को भी और यहाँ अगर इस बारी के अभी जो इससे नेक्स्ट आने वाले हैं समर समर ओलंपिक्स उसकी बात करें ट्वेंटी वाले तो वो पैरिस फ्रांस में होने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इन्वॉल्व सॉरी वेयर वेयर इज द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड फॉरन में से किसी एक जगह पे किसी एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आ, इंडिया का पहला जो मतलब इंडिजनसली मेड है या फिर मेड इन इंडिया है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है तो ये रोबोटिक सिस्टम जो है वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल uh, किया गया है ये इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली में है वहां पर यह इंस्टॉल हुआ है तो ये इस इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम देखते हैं पहले राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ये न्यू दिल्ली में है इधर इंडिया का फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया वाला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम अब सिस्टम का एक नाम भी है क्या नाम है एस एस आई मंत्रा ये नाम है इस रोबोटिक सिस्टम का एस एस आई मंत्रा डिवाइस बाय द न्यूएज इंडियन मेड टेक स्टार्टअप एस एस इनोवेशन ओके एस एस इनोवेशन एस एस आई है यहाँ पर ये फुल फॉर्म इसकी एस एस आई की और मंत्रा तो ये एस एस आई मंत्रा जो है एक रोबोटिक सिस्टम है जो सर्जरीज वगैरह में हेल्पफुल रहेगा रोबोटिक कार्डियक सर्जन है एक डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव इन्हीं का ही आइडिया था इस सिस्टम को बनाने में तो अगर आपको ये पूछा जाए कि ये आइडिया किसका है ये किसकी आ, सोच थी या मतलब कह सकते हैं इन्वेंशन थी तो इन्वेंशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसको इन्वेंट करने में तो और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ना तो किसका आइडिया था इसके भी इसके इस एक चीज़ के पीछे ये आ, उनका नाम है डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव ठीक है तो अब इस आ, एक रोबोट रोबोटिक सिस्टम से क्या होने वाला है जो रोबोटिक सर्जरी वगैरह होगी ना वो और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएगी इंडिया के लोगों के लिए ठीक है नेक्स्ट uh, पॉइंट इसका है एसएसआई एस मंत्रा इज मॉड्यूलर फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल इन कंपैरिजन टू लीडिंग ग्लोबल सर्जिकल सिस्टम विच डोमिनेटेड सर्जिकल रोबोटिक्स मार्केट मोनोपोली टू डेट अभी तक ना बहुत लिमिटेड ऐसे सिस्टम्स थे जो uh, पूरे दुनिया में अवेलेबल थे और हर एक इंसान जो बीमार होता है वो हर तरह की या हर लेवल पे जाके जो है मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेल नहीं कर सकता ठीक है तो ये वाले जो होंगे वो थोड़े और मॉड्युलर फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल भी हैं और थोड़े और अफोर्डेबल भी होंगे ठीक है तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है रोबोटिक सिस्टम राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू न्यूडेली बनाया किसने है डॉक्टर या आइडिया किसका है डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव का और इस सिस्टम का नाम क्या है एस एस आई मंत्रा नेक्स्ट हमारे पॉइंट आ गए हम आज के द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होने वाला है ये जो है 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगा ठीक है ये आ, न्यू दिल्ली या दिल्ली को हरियाणा से लिंक करेगा ठीक है दिल्ली को हरियाणा से लिंक करेगा जब ये लॉन्च होगा तो एक बार इसके बाद में देख लेंगे कि पॉइंटर्स क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वो इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे होने जा रहा है और ऑपरेशनल कब से हो जाएगा दो से ठीक है दो हज़ार की बिगिनिंग से मिड से या एंड से ये अभी नहीं डिस्क्राइब किया उन्होंने बट ये बताया कि दो से इसको ऑपरेशन में ले आएंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है थर्ड जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई है बाली इंडोनेशिया में आपको सिर्फ मीटिंग याद रखनी है कि तीसरी एडिशन थी जी ट्वेंटी के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग की ठीक है ये मीटिंग हुई है बाली इंडोनेशिया में इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गो डिजिट जनरल लिमिटेड ने एक पे एज यू ड्राइव वाला एड ऑन फीचर ले आए हैं वो भी अपनी मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसी पे अब पे एज यू ड्राइव हमने पहले भी पढ़ा है ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको जो अपनी इंश्योरेंस uh, प्रीमियम होता है मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो उसके हिसाब से पे करना है जितना आपने गाड़ी चलाई होगी ठीक है तो वो जो फ़ीचर है अब दोबारा लाइक अपने एक और मोटर इंश्योरेंस एड ऑन किया है किसने किया ये फ़ीचर एड ऑन गो डिजिट जनरल लिमिटेड ने शायद जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है ये एक बार चेक कर लेंगे इसको नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर गवर्नर लागनेसन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेजिडेंट को एक्सेप्ट रेजिग्नेशन ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर अब जगदीप धनकर जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्यों रिज़ाइन किया है क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा वाइस प्रेजिडेंट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए नॉमिनेट किए हैं ये एन गवर्नमेंट ने ठीक है एन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके जगदीप धनकर हैं वो उनका नाम दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में तो उनको अपनी पोस्ट से यहाँ पे जो गवर्नर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे उसकी पोस्ट से इनको रिज़ाइन करना है तब ये उसके लिए एलिजिबल होंगे तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इनकी जगह पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला है वो किसको मिला है ला गनेसन को ला गनेसन अभी मणिपुर के गवर्नर हैं इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है अब यही गवर्नर हो जाएंगे आपके वेस्ट बंगाल के भी तो अगर ये आ जाता है कि वेस्ट बंगाल के अब गवर्नर कौन है तो वो एडिशनल चार्ज पे लागनेसन ही है आपने लागनेसन ही करना है जब तक इसकी कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होती इनको मतलब एडिशनल चार्ज मिल गया है। uh, आपका आर्टिकल आई गेस वन आर्टिकल के अंडर है मेरे को एक बार uh, प्रॉपर् नहीं याद है आई गेस 154 आर्टिकल के अंडर होता है कि जो आपके प्रेज जो गवर्नर्स होते हैं वो दो स्टेट के गवर्नर रह सकते हैं एक ही टाइम पे ठीक है तो उसी के ही अंडर इनकी अपॉइंटमेंट होती है उसी में ही आपका ये मेंशन है वन फिफ्टी फ़ोर में ही कि uh, किसी भी स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं वो गवर्नर होना या गवर्नमेंट अपॉइंट करना किसी एक स्टेट का वो भी आर्टिकल वन फिफ्टी फोर के अंडर है फिर किसी अमेंडमेंट के अंडर आई के सेवेंथ अमेंडमेंट के अंडर ये चीज़ uh, को बयान कर दिया गया था कि uh, एक गवर्नर दो स्टेट्स के गवर्नर रह है सकते हैं ठीक है कोई एक पर्सन तो उसी के ही अंडर मणिपुर के जो गवर्नर हैं नागानेसन वो मणिपुर के साथ साथ वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर हैं जब तक कोई नए गवर्नर अपॉइंट नहीं होते ठीक है अब इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या कि जब कोई गवर्नर रिजाइन करता है या अपनी रेजिग्नेशन देता है तो वो रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेजिडेंट को रामनाथ कोविंद जैसे भी प्रेसिडेंट हैं तो उनको इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी है वही अपॉइंट करते हैं उन्हीं को ही रेजिग्नेशन देते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेबी अप्रूव्ड आशीष कुमार चौहान एज द न्यू एमडी सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके एम डी बना दिया गया है आशीष कुमार चौहान को और ये uh, जो अपॉइंटमेंट की है ये सेबी ने अप्रूव की है पाँच साल के लिए इनको एम डी बनाया गया है और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं विक्रम लिमाए को विक्रम लिमाए को ये रिप्लेस कर रहे हैं हमने काफ़ी सुना होगा आपने इनका नाम भी तो इनकी जगह पे अब एम डी होने वाले हैं आशीष कुमार चौहान नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द रिजिलियट एंड ऑन्ट्रप्रोनॉर स्ट्रैटजीज टू सेट अप सेट यू अप फॉर सक्सेस ये एक बुक है जो ध्रुति शाह ने ऑथर की है ये रिलीज़ होने वाली है uh, जो भी नई बुक्स होंगी ना उनको मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पॉइंट्स आते ही आते हैं या ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो जो भी नई रिलीज बुक्स होती हैं वो एक बार पढ़ के जाना इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है द रिजिलियट ऑन्थरप्रोनॉर सिर्फ इतना भी याद रखोगे ये बुक ध्रुति शाह ने लिखी है और ये नई रिलीज़ हुई है तो आपको याद रखनी है नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन लेबर मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव उन्होंने ब्रिक्स की एट्थ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो अटेंड की है कहाँ पर ये मीटिंग हुई थी बीजिंग चाइना में ब्रिक्स की जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर वाली मीटिंग थी एट्थ एडिशन थी ये उस मीटिंग की ये भूपेंद्र यादव जो यहाँ के आ, इंडिया के लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड की है चाइना बीजिंग में ओके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आईएनएस सिंधु ध्वज ये जो आईएनएस या इंडियन नेवल शिप जो है ये डी कमीशन कर दी गई है कहाँ पे विशाखापट्टनम में ठीक है इंडियन नेवी ने इसको डी कमीशन कर दिया है विशाखापट्टनम में कितने सालों की सर्विस थी इसकी थर्टी फाइव ईयर्स तक सर्विस के बाद आई एन सिंधु ध्वज को डी कमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर आर प्रग्नानंद डिफीटेड एलेक्जेंडर फ्रेड फ्रेड प्रेड ही पड़ेंगे शायद इसको एलेक्जेंडर प्रेड जो रशिया से बिलोंग करते हैं उनको हरा के आ, आर प्रज्ञानंद जो हैं वो एक और चैम्पियनशिप में जीत गए हैं चेस चैम्पियनशिप में जीत गए हैं जो है फिफ्टीथ इंटरनेशनल चेस ओपन फेस्टिवल ठीक है इसको पैरासन 2022 ट्वेंटी भी कहते हैं ये जो फेस्टिवल है ये हुआ कहाँ पर सर्बिया में ओके इसमें भी हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जो हैं वो जीत गए हैं एक और नई बुक्स जो हैं वो हुई हैं दो नई बुक्स हैं जो और हुई हैं लॉन्च उनमें से एक है द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स ये बुक लिखी है रूथ वनीता ने ठीक है और एक और बुक है आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी ये बुक लिखी है जर्नलिस्ट अजय सिंह ने ओके अब रूथ से याद आ रहा है आपको रूथ ओजेकी भी पढ़ा है ना हमने रूथ ओजेकी की एक बुक है फॉर्म ऑफ एम्प्टीनेस है ना वो उसको वेमेंस अवार्ड भी मिला है तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है रूथ ओजेकी को अलग बुक आ, के लिए मिला है और एक और बुक जो नई लॉन्च हुई है संस्कृत एपिक्स वाली वो रूथ वनीजा ने की है ठीक है ये यहीं की है और रूथ जेकी आई गेस नॉर्वे या मतलब किसी फॉरेन कंट्री की है वो एक बार देख लेंगे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज का है कि मॉर्गन स्टैंडली ने फिर से इंडिया की जो जीडीपी है उसको कट कर दिया है 7.2 परसेंट जी कर दी है फाइनेंशियली ईयर 2023 के लिए इससे पहले थी 7.6 परसेंट ठीक है रीजंस वही हैं कि वॉर की वजह से रिसेशन वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इस वजह से इन्होंने इंडिया की जो जी है उसको फोरकास्ट को आ, वापस डिक्लाइन कर दिया है सेवन पॉइंट अभी क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो जी वगैरह की प्रोडक्शंस करती हैं उन्होंने बहुत सारी उन्होंने अपने जो भी जी डी पी के प्रोडक्शन्स दिए थे उसको डिक्रीज़ किया है उसमें वापस कोई ना कोई कट लेके आए हैं वो तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि एक दो दिन के बाद या नेक्स्ट क्लास तक ना इसको या नेक्स्ट एक दो क्लासेस के बाद इनको एक बार कवर कर लेंगे कि कौन कौन सी जी डी अब दी हैं ठीक है और जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे अभी नहीं पता कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे और सब बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो भी आपके एग्जाम्स होंगे जाने से पहले एक बार नए जो जीडीपी के प्रडिक्शन हैं उनको जरूर पढ़ के जाना ठीक है क्वेश्चंस देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन आज का है कि हेड क्वार्टर्स और एम बताना आपने मुझे फेडरल बैंक के ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है से बी के चेयरपर्सन कौन है और हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं उसके ओके okay? ये आपके आज के क्वेश्चन थे अब अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आपसे आप तब तक के लिए बाय